इंदौर में बदमाशों के आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के यादव नगर में लगे बदमाशों ने जमकर उत्पात मचा और घर के बाहर खड़ी एक ऑटो को जलाकर फरार हो गए। फिलहाल पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने ग्रामवासियों के विरोध में उत्पात मचा रहे कुछ बदमाशों पर कार्रवाई भी की है। फिलहाल अब देखना होगा आने वाले समय में बाणगंगा पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है। घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के यादव नंद नगर की बताई जा रही है। यादव नंद नगर के रहवासियों ने बाणगंगा थाने पर पहुंचकर शिकायत की थी। यादव नगर में बदमाशों का आतंक जमकर है। वह राह चलते लोगों से जहां मारपीट करते हैं, वहीं देर रात नशे में राशियों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। उनकी हरकत देर रात और बढ़ जाती है और वह घर के बाहर खड़े वाहनों में आग लगाकर फरार भी हो जाते हैं। ऐसी एक घटना को बदमाशों ने एक बार फिर यादव नगर अंजाम दिया। वहीं घटना के कुछ दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें बदमाशों के द्वारा किस तरह से क्षेत्र में आतंक मचाया जा रहा है, वह पूरी हरकत उन सीसीटीवी कैमरों में आसानी से देखी जा सकती है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि बदमाश चलते लोगों के साथ मारपीट करते हैं और वहां के रहवासियों को डराते और धमकाते हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। वासियों का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले की शिकायत कई बार बाणगंगा थाने में की, लेकिन ना पुलिस ने रहवासियों की शिकायत पर कोई कार्रवाई की और उसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने एक परिवार की ऑटो को जला देने की साथ ही वहां पर अन्य लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन। हाँ, इन लोगों ने बदमाशों ने गांजा चरस पीते हैं ये लोग। हाँ, और आए दिन नाटक करते हैं, औरतों को नंगी गंदी गालियाँ बकते हैं। और कितनी गाड़ियों को जला दिया गया? एक ही गाड़ी जल रही है, हमारी ऑटो। मैं उनकी मिसेस हूँ, मैंने खुद ने देखा था। फिर उन्होंने सभी को आवाज लगाई है, सभी बायकायदा आए हैं, ये सभी मेरे मोहल्ले वाले हैं, इन्हीं ने सभी ने मेरा साथ दिया और मैं यहाँ तक आ पाई। तो किस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं? विवाद यह हुआ कि वो सभी तरह से नशा करते हैं। हाँ, वो सभी तरह का नशा करते हैं और मैंने ऑब्जेक्शन उठाया और सभी ने मेरा साथ दिया है कि ये यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, वो मुझे गाली गलौज करते हैं। कहाँ की घटना? ये यादव नंद नगर गली नंबर 3 की है। और उनने मुझे कोई सीसीटीवी में कैद हुए, कोई लोग क्या लगा? नाम है उनके? नाम हुए हैं, पर वो जिनके यहाँ हुए हैं वो उनके यहाँ कोई घटना हो चुकी है तो वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पिंकी सेन है। आपका? मेरा नाम सुभाष सेन।